तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू रिडल चैलेंज विद माय सिस्टर दिशा सेट। सब क्या देखना पड़ रहा है? तो बिफोर स्टार्टिंग मैं रूल्स बताना चाहता हूँ। रूल्स बहुत सिंपल से। अच्छा, जिसके हाई स्कोर होंगे वो होगा विनर। क्यों नहीं? सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिक स्कूल में वैम्पायर्स घुस गए थे। एक वैम्पायर रोहन के पीछे लग गया था। रोहन उससे बचता हुआ भागता है तो उसके सामने तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला, तो वो स्टेज से नीचे चला जाए। दूसरा, वो टेरेस पे भाग जाए। तीसरा, वो खुद को इस वॉशरूम में लॉक कर ले। क्या आप बता सकते हैं क्या ऑप्शन बेटर रहेगा रोहन के लिए? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। वॉशरूम में लॉक कर ले, ऐसे कोई अंदर आ भी नहीं पाएगा। सो मेरे हिसाब से टेरेस पे चला जाएगा। टेरेस पे तो आ भी जाएगा अगर आना हो उसको। वैम्पायर को सनलाइट से इशू होती है, दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से टेरेस पे ही होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। स्टेयर्स से भागेगा तो टाइम लगेगा, वैम्पायर उसे आसानी से पकड़ लेगा। वॉशरूम के डोर्स में ऊपर और नीचे गैप है, बैट बन के वैम्पायर इजीली उसे पकड़ सकता है। टेरेस बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रोहन सनलाइट में आ जाएगा और सनलाइट से वैम्पायर्स डरते हैं। रोहन टेरेस पहुंच जाता है। I want to thank me for believing in me. तो बेसिकली मेरे हुए 1 point और दिशा के हुए 0 point। एक मालिक अपने ऑफिस के वर्कर को फोन करता है और कहता है कि मेरी कार घर पे पहुंचा दो और कार घर के अंदर पार्किंग में लगा देना, और उसे एड्रेस दे देता है। वो वर्कर कार लेके बताए गए एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां 3 घर दिखते हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि बॉस का घर कौन सा है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं बॉस का घर कौन सा है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वहां पे तो ए पे कार खड़ा है तो वहां तो होगा नहीं। सी, क्योंकि यहां पे खाली स्पेस लग रहा है तो मे बी। माय आंसर इज आल्सो सी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कार है और इसमें कार खड़े करने की जगह नहीं है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बॉस ने कहा था कि कार घर के अंदर पार्किंग में रखना। पहले घर में ऑलरेडी कार खड़ी है तो ये घर तो नहीं है, और दूसरे घर में कार रखने की जगह ही नहीं है, डोर भी छोटा है मतलब ये भी नहीं है। तीसरे घर में देखिए पार्किंग खुली है और पार्किंग की जगह है, मतलब यही बॉस का। सो बेसिकली हम लोगों के पॉइंट्स ऐसे हुए कि मेरे 2 हो चुके हैं और दिशा के 1। वेल डन। ये दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए दोनों में कौन भूत है, ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आई थॉट सेट करें, पीछे दिख रहा है। आई थॉट बी है, नहीं ए है। ए, मेरा भी आंसर ए, क्योंकि इसका उल्टा हाथ है। अच्छा, मेरे क्योंकि मेरा आंसर इसलिए क्योंकि गर्दन उसका हाँ, सीधा है। अब बी का पता, बी का सीधा दिख रही है, सामने का और मिरर लगा हुआ लग रहा है। इसमें ए भूत है, उसकी बॉडी देखिए मिरर की तरफ हाँ। है, लेकिन फेस सामने की तरफ। सो बेसिकली हम लोगों के पॉइंट्स 3-2। जग्गा रात को चोरी करने निकलता है और एक सोसाइटी के सामने पहुंच जाता है। जग्गा के सामने 3 घर होते हैं और जग्गा 1 घर में घुस जाता है। क्या आप तीनों घरों को देख के बता सकते हैं जग्गा कौन से घर में गया होगा? ध्यान से देखिए और आपका सो आई एम गिविंग फर्स्ट चांस टू दिशा। एक कोई चूज करो। समझ नहीं यार, थर्ड वाले कर रहे हो क्यों पता नहीं। मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट इसलिए क्योंकि चोर कभी मेन गेट से नहीं जाएगा, ये कोई घर का गया होगा, ये खिड़की की तरफ जा रहा है, तो बेसिकली फर्स्ट ही होगा। पैरों के निशान को देखिए, कभी दरवाजे से नहीं घुसेगा। पहले घर में पैरों के अच्छा अच्छा इतना नहीं ध्यान गया, अरे वहाँ पे निशान था। सो मेरे हो चुके हैं 4 point और दिशा के 3। सॉरी नहीं, 2 गलत हुआ है। हाँ, 2 और 4 मेरे हो गए। हाँ। I want to thank me
इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसके मम्मी पापा भूत है। ध्यान से देखिए और इनका शैडो तो दिख रहा है पीछे मिरर पे और पैर सीधा है, इनका ही पैर सीधा है। बी वाले का मिरर में शैडो नहीं है, बी और पैर भी सीधा नहीं। इसका पैर तो टेढ़ा है। बी मेरा भी बी है। मेरा रीज़न ये है कि अब मिरर में पीछे ऐसा दिख नहीं रहा है, शैडो मेरा रीज़न नहीं है, मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं नज़र आ रहा है। बेसिकली मेरे 5 हो चुके हैं और दिशा के 4 नहीं 3 3 होंगे ना। हाँ सह लेंगे थोड़ा सा। अरे एक औरत की मृत्यु हो जाती है, तहकीकात करने के लिए तुरंत पुलिस आती है और हस्बैंड से पूछताछ करती है। हस्बैंड बताता है कि मैं सुबह ऑफिस जा रहा था तो वो यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी। जब मैं शाम को वापस आया तो ब्रेकफास्ट नहीं रखा हुआ था और वो मर चुकी थी। पुलिस ये सब सुनके तुरंत हस्बैंड को खून के इल्जाम में पकड़ लेती है, पर कैसे पुलिस को कैसे सब क्योंकि ये ब्रेकफास्ट करने से पहले ही मर गई थी। तो ये कहाँ बोला, जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तब सुबह कर रही थी तब ये गया था। एक बार फिर से सुने। A few minutes later. हाँ, क्योंकि ये पहले इसको मार देता है और मतलब ब्रेकफास्ट वैसे कैसे रखा रहता है और हाँ क्योंकि ये पहले लगता है इसको पहले से ही मार दिया होता है क्योंकि और झूठ कहानी बताता है कि ब्रेकफास्ट रखा हुआ है और हाँ यही है, इसी से पता चलता है। मेरा आंसर ये है कि इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर 2 प्लेट्स रखे हुए हैं। सो सुबह यही हस्बैंड की इसके साथ मतलब नाश्ता किया होगा। वैसे तो 3 है लेकिन मतलब 2 प्लेट ऐसे सेम फूड है तो मे बी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल पे ध्यान से देखिए, ब्रेकफास्ट गरम है, मतलब हस्बैंड ने ये प्लान बाद में बनाया और ब्रेकफास्ट बना के टेबल पे रख दिया सुबह से शाम तक। हाँ तो वही तो था ना रीजन कि नहीं उसको मतलब नहीं तो मेन जो रीजन था दोनों लोगों का गलत है। वो मेन रीजन मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 प्लेट रखे हुए हैं खाने का, हाँ धुआं निकल रहा है कि वो बात सुबह मारा था और अभी धुआं निकल रहा है। सो यहाँ पर टाई हो जाता है। टोटल स्कोर 5 है, तो टोटल स्कोर मेरा 5 है और दिशा का 3 है आई थॉट। हाँ सो बेसिकली अब जो पार्ट था पनिशमेंट का उसकी बारी है। सो वेट, सो पनिशमेंट में ये पूरी बॉटल खाली होने वाली है। सो क्लोज योर आइज। सो इतना इनफ है काफ़ी। नेक्स्ट बाकी नेक्स्ट चैलेंज के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।